Welcome back everyone. In this video we are going to practice daily use English words meaning with Hindi. Okay, A to Z word meaning करने वाले हैं तो हमारे साथ वीडियो में कंटिन्यू बने रहेगा. सो वॉच द वीडियो टिल एंड लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. सो लेट्स स्टार्ट. जैसे कि हम बात करने वाले हैं पहले डेली यूज इंग्लिश वर्ड विद हिंदी मीनिंग, मतलब ए से पहले हम याद कर हर अल्फ़ाबेट के हम 10-10 करेंगे वर्ड्स और उसके हिंदी में मीनिंग. तो जैसे कि आपका यहाँ पे ए है, ए से हम 10 वर्ड्स करेंगे और उसके हिंदी में मीनिंग करेंगे. तो फर्स्ट है आपका ए एप्पल, एप्पल मीन सेब. सेकंड है आस्क, आस्क मतलब होता है पूछना या किसी से कुछ क्वेश्चन करना. थर्ड है आंसर, आंसर मतलब होता है जवाब. फोर्थ है एनिमल, एनिमल मतलब जानवर. फिफ्थ है आफ्टरनून मतलब दोपहर. सिक्स अगेन, अगेन मतलब फिर से. सेवन्थ है एयर, एयर मतलब हवा. एट्थ है आपका एंग्री, एंग्री मतलब होता है गुस्सा. नाइन्थ है अराइव मतलब पहुंचना. टेंथ है ऑथर मतलब लेखक. ठीक है, तो ये थे हमारे ए से 10 वर्ड्स. आइए अब बी से करते हैं कि बी से हमारे कौन कौन से वर्ड्स हैं. तो बी से पहला है बेबी, बेबी मतलब होता है शिशु. सेकेंड है आपका ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल मतलब होता है सुंदर. थर्ड है आपका बिकॉज, बिकॉज का क्योंकि. फोर्थ है आपका बिकम, बिकम मतलब बन जाना, बन जाना. नेक्स्ट है आपका फिफ्थ बेड, बेड का मतलब होता है बिस्तर. नेक्स्ट वर्ड है आपका बिफोर, बिफोर का मतलब होता है पहले. सेवन्थ है बिगिन मतलब शुरू करना. एट्थ बिहाइंड, बिहाइंड मतलब पीछे. नाइन्थ है आपका बिलीव, बिलीव का मतलब होता है विश्वास या आश्वासन. ठीक है, नेक्स्ट है आपका बेस्ट, बेस्ट का मतलब होता है सबसे अच्छा. नेक्स्ट वर्ड है आपका सी साउंड से, सी से देखेंगे हम 10 वर्ड्स. तो सी का है आपका कैट, कैट मतलब बिल्ली. सेकेंड है आपका कम, कम मतलब आना. थर्ड है आपका सिटी, सिटी का मतलब होता है शहर. फोर्थ है आपका कुक, कुक मतलब पकाना. फिफ्थ है आपका कोल्ड, कोल्ड मतलब होता है ठंडा. सिक्स्थ है आपका चेयर, चेयर मतलब कुर्सी. सेवन्थ है आपका चाइल्ड, चाइल्ड मतलब बच्चा. एट्थ है आपका क्लीन, क्लीन मतलब साफ. नाइन्थ है आपका क्राई, क्राई मतलब होता है रोना. टेंथ है आपका क्रिएट, क्रिएट मतलब होता है बनाना. तो ये थे हमारे सी साउंड के 1 to 10 वर्ड्स जिसके हमने वर्ड्स किया और उसका हिंदी में मीनिंग किया है. आइए अब जानते हैं डी से कौन कौन से वर्ड्स हैं. तो डी से पहला तो आप डॉग, डॉग मतलब कुत्ता. सेकंड है डांस, डांस मतलब नाचना. थर्ड है डे, डे मतलब दिन. फोर्थ है डॉक्टर, डॉक्टर मतलब होता है चिकित्सक. फिफ्थ है आपका ड्रीम, ड्रीम मतलब सपना. सिक्स्थ है आपका डोर, डोर मतलब दरवाजा. सेवन्थ है ड्रिंक, ड्रिंक मतलब पीना. एट्थ है आपका ड्राइव, ड्राइव मतलब ड्राइव करना. अब यहाँ पे एक बात क्लियर कर लेते हैं, जैसे ड्रिंक होता है तो ड्रिंक को लोग एक ही चीज़ मानते हैं कि शराब पीना, बट नो, ड्रिंक का मतलब सिर्फ पीना होता है और वाइन मतलब शराब होता है. तो यहाँ पे बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होती है कि ड्रिंक मतलब पीना होता है, शराब पीना नहीं होता. मतलब कुछ भी पीना हो सकता है, जैसे कोल्ड ड्रिंक और जूस, कोई भी लिक्विड चीज़ लिक्विड फॉर्म में होगी उसको पीना वो ड्रिंक कहलाता है. ठीक है, तो ये चीज़ को आप लोग क्लियर रखिए. नाइन्थ वर्ड है आपका डार्क, डार्क मतलब अंधेरा. टेंथ है आपका डिनर, डिनर मतलब रात का खाना. तो ये थे हमारे डी साउंड से 1 to 10 वर्ड्स जिसके हमने मीनिंग करे. आइए अब करते हैं ई से. ई साउंड से आपका पहला ईट, ईट मतलब खाना. सेकंड है आपका अर्ली, अर्ली मतलब जल्दी. थर्ड है आपका अर्थ, अर्थ मतलब पृथ्वी. फोर्थ है आपका ईजी, ईजी मतलब होते हैं आसान. नेक्स्ट वर्ड है आपका एग, एग मतलब अंडा. सिक्स है एंड, एंड मतलब अंत या लास्ट, अंतिम बोल सकते हैं. सेवन्थ है इंजॉय मतलब आनंद लेना. एट्थ है इनफ, इनफ मतलब पर्याप्त या बस करो कह देते हैं. इनफ, इनफ इज इनफ तो उसे कहते हैं बस करो, तो ये वो वर्ड है. नाइन्थ है आपका एंटर, एंटर मतलब प्रवेश करना, किसी भी जगह जाना उसे एंटर बोलते हैं. और दूसरा वर्ड आप विजिट भी यूज़ कर सकते हैं, बट विजिट हमें वी से यूज़ करेंगे, ई से हमें एंटर यूज़ करना है. टेंथ है आपका इवनिंग, इवनिंग मतलब होता है शाम. तो ये थे हमारे ए टू ई वर्ड्स के हमने कर लिए हैं. आइए इसी तरीके से और अल्फ़ाबेट्स के और वर्ड्स को आगे कंटिन्यू करते हैं. आइए स्टूडेंट्स कुछ और वर्ड्स को और आगे कंटिन्यू करते हैं. जैसे कि आप देख पा रहे हैं एफ साउंड से, एफ साउंड से हम सिर्फ 10 वर्ड्स करने वाले हैं. तो जैसे कि फैमिली, फैमिली का मतलब होता है परिवार. फास्ट मतलब तेज. फादर मतलब पिता. फाइंड मतलब खोजना या ढूंढना. फायर, फायर मतलब क्या होता है, आग. सिक्स है आपका फिश, फिश मतलब होता है मछली. सेवन्थ है आपका फ्लाई, फ्लाई मतलब होता है उड़ना. एट्थ है फॉलो मतलब पालन करना. नाइन्थ फुट, फुट मतलब पाव. टेन फूड, फूड मतलब होता है खाना. तो आइए अब जी साउंड से देख लेते हैं. फर्स्ट है आपका गेम, गेम का मतलब खेल. सेकंड है आपका गार्डन, गार्डन मतलब बगीचा. थर्ड है गिव, गिव मतलब देना. फोर्थ है गुड, गुड मतलब अच्छा. फिफ्थ है आपका ग्रेट, ग्रेट मतलब होता है बड़ा.
नेक्स्ट है आपका ग्रीन, ग्रीन मतलब हरा। सेवन्थ है ग्रो, ग्रो मतलब बढ़ना। टेंथ, एट्थ है आपका गेस्ट, गेस्ट मतलब मेहमान। नाइन्थ है आपका गाइड, गाइड मतलब होता है मार्गदर्शक। टेंथ है आपका गोल्ड, गोल्ड मतलब होता है सोना। आइए एच साउंड से देख लेते हैं वर्ड्स को। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हैप्पी, हैप्पी मतलब होता है खुश। हार्ड मतलब कठिन। थर्ड है हॉट, हॉट मतलब गर्म। फोर्थ हैव का मतलब होना। फिफ्थ ही का मतलब वह। सिक्स्थ हैड, हैड का मतलब होता है सिर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सेवन्थ हीयर, हीयर मतलब होता है सुनना। एट्थ हेल्प, हेल्प मतलब मदद। नाइन्थ है आपका हाई, हाई मतलब ऊंचा, हाई मतलब ऊंचा। टेंथ है आपका होम, होम मतलब होता है घर। नेक्स्ट वर्ड है आपका आई, आई से हम करने वाले 10 वर्ड्स। आइए देख लेते हैं। इम्पॉर्टेंट मतलब जरूरी। इम्प्रूव मतलब सुधारना। इन मतलब मैं। इंटरेस्ट मतलब रुचि। आयरन, आयरन मतलब लोहा। सिक्स आइसलैंड मतलब द्वीप। एट, एट मतलब यह। आइटम मतलब होता है वस्तु। नेक्स्ट है आपका इमेजिन, कल्पना करना। इन्फॉर्म, सूचित करना। अब करेंगे हम जे साउंड से। तो जे साउंड से जॉब, जॉब मतलब काम। ज्वाइन मतलब जुड़ना। जंप मतलब कूदना। जस्ट मतलब सिर्फ। जोक मतलब मजाक। जॉय मतलब आनंद। नेक्स्ट है आपका सेवन जज, जज का मतलब है न्यायाधीश। जूस मतलब जूस। जर्नी मतलब यात्रा। जर्नल मतलब डायरी। आइए अब करेंगे हम के साउंड से वर्ड्स। के साउंड का है आपका कीप, कीप मतलब रखना। नो मतलब जानना। काइंड मतलब दयालु। किचन मतलब रसोई। की मतलब चाबी। किक मतलब लात मारना। किड मतलब बच्चा। किंग मतलब राजा। काइट मतलब पतंग। नॉक मतलब खटखटाना। अब हम करेंगे एल साउंड से वर्ड्स। आइए करते हैं। फर्स्ट है आपका लर्न, लर्न मतलब सीखना। लीव मतलब छोड़ना। लव मतलब हंसना। लव मतलब प्यार। लाइट मतलब होता है रोशनी। लिसन मतलब सुनना। लॉन्ग मतलब लंबा। लैंड मतलब जमीन। लिटल मतलब थोड़ा। लेटर मतलब पत्र। तो अब स्टूडेंट्स हम करने वाले एम साउंड से वर्ड्स। तो एम का है आपका फर्स्ट है मेक, मेक मतलब बनाना। मदर, मदर मतलब माँ। थर्ड है आपका मनी मतलब पैसा। मॉर्निंग मतलब सुबह। मून मतलब चांद। मूर मतलब और। मूव मतलब चलना। मच मतलब बहुत। म्यूजिक मतलब संगीत। मार्केट मतलब बाजार। तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे एन साउंड से वर्ड्स। आई करते हैं। नेम, नेम का मतलब है नाम। न्यू मतलब नया। नाइट मतलब रात। नो मतलब नहीं। नियर मतलब पास। नीड मतलब जरूरत। नेवर मतलब नहीं। नॉर्मल मतलब सामान्य। नाव मतलब आप। नंबर मतलब नंबर। तो स्टूडेंट्स अब हम करने वाले ओ साउंड से वर्ड्स। आइए करते हैं। ओपन मतलब खोलना। ओल्ड मतलब पुराना। वन मतलब एक। ओनली मतलब केवल। ओवर मतलब खत्म। ओशन मतलब महासागर। ऑफ्टन मतलब अक्सर। ऑरेंज मतलब संतरा। ऑफिस मतलब कार्यालय। ऑफर मतलब प्रस्ताव। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे एफ टू ओ से रिलेटेड वर्ड्स, जिसके हमने वर्ड्स किए और मीनिंग किए। आइए इसी टाइप के कुछ और वर्ड्स को और आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। स्टूडेंट्स पी साउंड से हम वर्ड्स को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पी से हमारे कौन कौन से वर्ड्स होते हैं वो हम करेंगे इंग्लिश टू हिंदी में करेंगे। तो फर्स्ट है आपका प्ले, प्ले मतलब होता है खेलना। सेकेंड है आपका प्लेस, प्लेस मतलब कृपया। थर्ड है आपका प्लेस, प्लेस मतलब होता है जगह। जैसे स्कूल हो गया, घर हो गया, पार्क हो गया, इस तरीके की जगह को प्लेस बोलते हैं। और प्रॉब्लम मतलब परेशानी। पुट मतलब रखना। पीपल मतलब लोग, जो इंसान होते हैं उनके लिए हम पीपल वर्ड यूज़ करते हैं। पेंट मतलब होता है रंग। पेपर मतलब कागज। पेरेंट मतलब अभिभावक। पेरेंट्स मतलब माता पिता को बोलते हैं, और उसको डीपली हिंदी में जाएं तो उसे अभिभावक कह सकते हैं। पार्ट मतलब भाग या हिस्सा। हमने यहाँ पे भाग को अप्लाई किया, आप हिस्सा भी लिख सकते हैं। आइए क्यू से करते हैं। तो ये थे हमारे पी से रिलेटेड वर्ड्स। अब करेंगे हम क्यू से रिलेटेड वर्ड्स। जैसे कि क्यू से है क्वेश्चन, क्वेश्चन मतलब प्रश्न। क्विक मतलब तेज, मतलब जल्दी भी यूज़ कर सकते हैं, तेज भी यूज़ कर सकते हैं। क्वाइट मतलब शांत। क्वेट उदाहरण। क्वाइट काफ़ी। आर से आइए कर लेते हैं। आर मीन्स आर से वर्ड है हमारा रीड मतलब पढ़ना। रन मतलब दौड़ना। राइट मतलब सही। रेन मतलब वर्षा। रूम मतलब कमरा। रिमेम्बर मतलब याद कराना। रोड मतलब सड़क। रेड मतलब लाल। रेस्ट मतलब आराम। और रीच मतलब पहुंचाना। नेक्स्ट है आपका एस से वर्ड। एस साउंड से वर्ड है। से मतलब कहना। स्कूल मतलब स्कूल। स्कूल को आप विद्यालय भी कह सकते हैं, कह नहीं सकते, कहते ही हैं। सी मतलब देखना। स्मॉल मतलब छोटा। स्टार्ट मतलब शुरू। स्पीक मतलब बोलना। स्टॉप मतलब रुकना। अब स्टॉप के लिए आप रुकना भी यूज़ कर सकते हैं, बंद भी यूज़ कर सकते हैं।
नेक्स्ट है आपका सन मतलब सूरज, स्वीट मतलब मीठा, सिट मतलब बैठना। आइए अब करते हैं टी से रिलेटेड, टी से रिलेटेड वर्ड्स करेंगे। तो टी से रिलेटेड वर्ड है हमारे टेक, टेक मतलब लेना, टॉक मतलब बात करना, टीच मतलब पढ़ाना, टाइम मतलब समय, थिंक मतलब सोचना, थैंक मतलब धन्यवाद, ट्री मतलब पेड़, टर्न मतलब मुड़ना होता है, ठीक है। ट्रैवल मतलब याद करना, ट्रू मतलब सही होता है, यूज यूज मतलब इस्तेमाल करना, अंडर मतलब के नीचे, अंडरस्टैंड मतलब समझदार, अंटिल मतलब जब तक, आपका मतलब ऊपर, यूज़ का मतलब हम या हमें भी बोल सकते हो, हम भी यूज़ कर सकते हो, यूजुअली आमतौर पर, यूजुअली आमतौर पर। नेक्स्ट वर्ड है आपका अम्ब्रेला, अम्ब्रेला मतलब होता है छाता, यूनिक मतलब अनोखा, अनहैप्पी मतलब दुखी। आइए अब करते हैं वी से रिलेटेड वर्ड्स। तो वी से रिलेटेड वर्ड्स हैं आपके वेरी मतलब बहुत, विजिट मतलब दौरा करना, विजिट मतलब दौरा करना भी हो जाएगा या किसी भी जगह पे जाना या प्रवेश करना, उसको विजिट कहते हैं। वॉइस मतलब आवाज़, वोट मतलब वोट देना, व्यू मतलब दृश्य, विलेज मतलब गांव, वेरियस मतलब विभिन्न, विभिन्न या भिन्न बोल सकते हैं, वैल्यूएबल मतलब मूल्य या कीमत, ठीक है। वोकेशन मतलब छुट्टी, व्हीकल मतलब वाहन। आइए स्टूडेंट्स अब करते हैं हम डब्ल्यू से रिलेटेड वर्ड्स। तो डब्ल्यू से रिलेटेड वर्ड्स है आपका वाटर मतलब पानी, वॉन्ट मतलब चाहना, वर्क मतलब काम, वॉक मतलब चलना, राइट मतलब सही, रॉन्ग मतलब गलत है, वॉच देखना, वर्ल्ड दुनिया, विश मतलब इच्छा होती है, विंडो मतलब खिड़की। एक्स से रिलेटेड वर्ड्स आइए करते हैं, एक्स से रिलेटेड वर्ड्स, एक्स से रिलेटेड कुछ ही वर्ड्स आपने देखे होंगे, ज़्यादा नहीं होते तो हमने भी ज़्यादा नहीं किए हैं। एक्स से रिलेटेड सिर्फ ने टू वर्ड्स किए हैं जो कि आपका एक्सरे, एक्सरे मतलब एक्सरे, और नेक्स्ट वर्ड है आपका जेनोफोबिया। अब जेनोफोबिया मतलब फोबिया ही से आप समझ गए होंगे कि डर होता है। अभी किस चीज़ के लिए अप्लाई करते हैं एक्सो, जेनोफोबिया मतलब विदेशी लोगों के प्रति डर। अब यहाँ पे जरूरी नहीं कि विदेशी लोगों के लिए डर, फोबिया किसी भी इंसान को हो सकता है, ये एक तरीके की डिसीज है मतलब बीमारी है फोबिया, जैसे कि किसी भी इंसान को किसी भी चीज़ से डरना वो चीज़ होती है जेनोफोबिया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वाई, वाई मतलब वाई से वर्ड है आपका यस मतलब हाँ, यर मतलब वर्ष, यंग मतलब युवा, येल्लो मतलब पीला, यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, टुमारो मतलब होता है आने वाला कल, टुडे मतलब आज का दिन होता है, यस्टरडे बीता हुआ कल, ठीक है। आइए अब जेड साउंड से करते हैं। जेड साउंड का फर्स्ट वर्ड है आपका जू मतलब चिड़ियाघर, जीरो मतलब शून्य, जोन मतलब क्षेत्र, जिप मतलब जगह, जस्ट मतलब उत्साह। तो ये वीडियो अब हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो ये वीडियो अब हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम मोटिवेट होकर आप तक ऐसे यूजफुल वीडियो लाते रहें। और अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि हमें पता चले कि हमने जो समझाया वो आप लोगों को समझ में आया, और अगर हमसे कोई मिस्टेक हुई हो तो वो भी आप कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम हम उसे कवर कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।